स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। यदि आप नया पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने ऑनलाइन एसबीआई अकाउंट में लॉगिन करके रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी स्टेप पर जाएं और न्यू पीपीएफ अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपके सेविंग अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी। यदि आप पीपीएफ अकाउंट किसी माइनर यानी अवयस्क के नाम पर खोल रहे हैं तो उसके लिए यहां पर क्लिक करें और यहां पर माइनर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और आवेदक के साथ उसका क्या संबंध है वो टाइप कर दें। हम माइनर के लिए पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, इसलिए दोबारा यहां पर क्लिक कर देते हैं। यहां अपनी होम ब्रांच या फिर एसबीआई की जिस ब्रांच में आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाने हेतु अप्लाई करना चाहते हैं उस ब्रांच का 5 डिजिट का कोड डालें। यदि आपको ब्रांच कोड नहीं मालूम है तो वो जानने के लिए ब्रांच लोकेटर पर क्लिक करें। यहां सर्च इन ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। चूंकि हमें जिस ब्रांच का कोड देखना है हमें उसका नाम मालूम है, इसलिए यहां से ब्रांच नेम ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। कंडीशन ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हम कंटेंट्स सिलेक्ट कर रहे हैं और एंटर ऑप्शन के बॉक्स में हम ब्रांच का नाम टाइप कर रहे हैं। अब इस इमेज में दिखाई दे रहे टेक्स्ट को यहां टाइप करके सर्च पर क्लिक करें। देखिए यहां पर ब्रांच का नाम और उसका ब्रांच कोड आ गया है। इसे नोट करके इस विंडो को हम बंद कर देते हैं। अब यहां पर ब्रांच कोड डालें। गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करते ही ब्रांच का नाम यहां आ जाएगा। आप पीपीएफ अकाउंट हेतु अधिकतम 5 नॉमिनीज ऐड कर सकते हैं। आप जिन्हें नॉमिनेट करना चाहते हैं उनके नाम यहां पर डालें। यदि नॉमिनी माइनर है तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहां डालें और हर नॉमिनी के लिए जितने प्रतिशत राशि आप निश्चित करना चाहते हैं वो प्रतिशत यहां पर डालें। चूंकि हमने एक ही नॉमिनी का नाम डाला है इसलिए परसेंट में हमने डाल दिया 100। पीपीएफ स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां पर क्लिक करें। अब सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही ये मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। प्रिंट पीपीएफ ऑनलाइन एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करें। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपने जो एप्लीकेशन दी है उसका रेफरेंस नंबर यहां आ जाएगा। इस पर क्लिक करने पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहां क्लिक करके इस फॉर्म को ओपन कर लें। अब फॉर्म का प्रिंट ले लें और इसमें मांगी गई जानकारी भर दें। इसमें सबसे पहले आपको यहां पर अपना फोटो चिपकाना है और यहां पर जितना अमाउंट आपको भरना है वो अमाउंट लिख दें। यदि आपने पहले भी कोई पीपीएफ अकाउंट खोला हो तो उसकी डिटेल यहां पर दे दें और फिर यहां नीचे सिग्नेचर कर दें और यहां पर डेट डाल दें। नीचे जाने पर आपको यहां फॉर्म ई दिखाई पड़ेगा। ये नॉमिनेशन वाला फॉर्म है। इसमें आपने नॉमिनेशन के लिए जो भी डिटेल दी थी वो आएगी। यदि आपने किसी माइनर को नॉमिनेट किया है तो उसके लिए आपको एक गार्जियन निश्चित करना होगा और जिसको भी आप उसका गार्जियन बनाएं यहां उसका नाम और पता डालें और यहां पर नाम और पते के साथ 2 विटनेस के सिग्नेचर करवाएं। यहां पर आप साइन कर दें और उसके बाद यहां पर डेट डाल करके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ 30 दिन के अंदर ब्रांच में जमा कर दें। कृपया नोट करें, आधार और पैन कार्ड अनिवार्य है।